टेक एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन ट्रिप पर। आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, जो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में आसानी से पूछ लिया जाता है और मैक्सिमम मार्क्स का भी वही आता है, जिसे हम कहते हैं जनरल साइंस। जनरल साइंस में हम पढ़ेंगे सबसे पहले फिजिक्स, फिजिक्स के बाद फिर पढ़ेंगे केमिस्ट्री और फिर उसके बाद बायोलॉजी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की, जिसमें आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स, जिसमें सबसे पहला टॉपिक है फिजिकल क्वांटिटीज़। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप पहली बार ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो आप इस वीडियो को ना देखें, ये जस्ट रिविज़न पर्पज़ के लिए वीडियो बनाई जा रही है। यानी आपने पहले कभी ये चैप्टर्स, ये टॉपिक्स, ये सब टॉपिक्स पढ़े हैं और आप रिवाइज़ करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें, ज़रूर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। दिस वीडियो इज़ ओनली रिविज़न पर्पज़। जो सबसे पहले बात करते हैं फिज़िकल क्वान्टिटीज़, फिज़िकल क्वान्टिटीज़ मेनली दो तरीके की होती हैं, स्केलर क्वान्टिटीज़ एंड वेक्टर क्वान्टिटीज़। स्केलर क्वान्टिटीज़ में क्या होता है, ऐसी क्वान्टिटीज़ जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, और वेक्टर क्वान्टिटीज़ में क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड तो हो साथ साथ में उसके अंदर डायरेक्शन भी हो, तो हम उन क्वान्टिटीज़ को कहेंगे वेक्टर क्वान्टिटीज़। और स्केलर क्वान्टिटीज़ वन विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड एंड अ वैक्टर क्वान्टिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। यानी कि वैक्टर क्वान्टिटीज़ वो हैं जिसमें मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं, जैसा कि फोर्स है, वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये सारी क्वान्टिटीज़ हैं वैक्टर क्वान्टिटीज़। इन सभी में डायरेक्शन मौजूद है, जैसे फोर्स, फोर्स का कितना मैग्नीट्यूड है, कितने न्यूटन के हिसाब से फोर्स लग रही है, और साथ में एक और चीज़ पूछते हैं कि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रही है। तो फोर्स सिर्फ अकेली एक मैग्नीट्यूड के साथ नहीं आएगी, साथ में डायरेक्शन भी पूछी जाएगी, इसलिए ये क्वान्टिटी जो है वैक्टर क्वान्टिटी है। इसी तरीके से वेलोसिटी, मोमेंटम, एक्सेलरेशन, ये सारी वेक्टर क्वांटिटीज़ हो गई। और फिर उसके बाद स्केलर क्वांटिटीज़ की बात की, जैसे मास, लेंथ, टाइम, वॉल्यूम, स्पीड, एनर्जी, वर्क, ये सारे एग्जांपल्स हो गए स्केलर क्वांटिटीज़ के। कि कोई मास है, किसी बॉडी का मास सिर्फ एक मैग्नीट्यूड है, ये नहीं पता कि मास किस डायरेक्शन में है, क्योंकि डायरेक्शन इसमें कोई डिफाइन नहीं है, डायरेक्शन है ही नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। तो मास एक ही इसके अंदर तथ्य है, वो है मैग्नीट्यूड। और इस तरीके से लेंथ, लेंथ में भी हम डायरेक्शन नहीं देखते, सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होता है। टाइम, इसी तरीके से वॉल्यूम, स्पीड, एनर्जी, वर्क, ये सारे एग्जांपल्स हो गए आपके स्केलर क्वांटिटीज़ के, जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन मौजूद नहीं है। तो सिंपल सी बात ये हुई, वो क्वांटिटी जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो उसे हम स्केलर क्वांटिटीज़ कहेंगे, और वो क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो तो उसे हम वेक्टर क्वांटिटीज़ कहेंगे। एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे हम कहते हैं यूनिट। तो यूनिट क्या है, यूनिट इज़ अ मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट। All measurements in physics require standard units. जितने भी physics में measurements हैं उन सभी में units का होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि mass की बात की जाए तो mass को हम क्या बोलेंगे, mass what, क्या magnitude, magnitude के आगे क्या लगाया जाएगा। Example के तौर पे mass को हम किलोग्राम में कहेंगे। velocity को, यानी कि velocity क्या है, एक vector quantity है, तो velocity का की क्या unit होगी। तो उस हिसाब से हर किसी चीज़ की unit define करना बहुत ज़रूरी है। तो यूनिट्स को डिफाइन करने के लिए 1960 यानी कि 1960 में एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई वेट एंड मेजरमेंट के लिए, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट्स, उसे हम कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो ये जो मीटिंग है 1960 में हुई थी, ठीक है, ये आपको याद रखना है। और फिज़िकल क्वांटिटीज़ को दर्शाने के लिए यूनिट्स का होना बहुत ज़रूरी है। यूनिट से ही हम पहचान सकते हैं कि वो फिज़िकल क्वांटिटी कौन सी है, ठीक है। जैसे कि लेंथ की बात करें तो लेंथ को मीटर में, किलोमीटर में नाप सकते हैं, मास को किलोग्राम में, टाइम को सेकंड में, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला में, फोर्स को न्यूटन में, वर्क डन को जूल में, पावर को वाट में। तो ये यूनिट्स जो हैं वो एग्ज़ाम में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछ ली जाती हैं। क्वांटिटी को, क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को कूलम में, पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में, इलेक्ट्रिकल रेसिस्टेंस को ओम्स, एंड कैपेसिटेंस हो गया तो उसको फेराड के अंदर, इंडक्टेंस को हेनरी में, और ल्यूमिनस फ्लक्स को ल्यूमेन में। तो ये ल्यूमिनस फ्लक्स वजह एंड वाला है जो है वो बहुत कम, शुरुआत के तो बहुत सारे लोग याद कर लेते हैं, एंड में ल्यूमिनस फ्लक्स ये सब चीज़ें जो है वो याद नहीं रख पाते कोई भी। तो यही चीज़ें पूछ ली जाती हैं एग्ज़ाम्स में कि ल्यूमिनस फ्लक्स की क्या यूनिट है।
और इस 1960 में जो मीटिंग हुई उसमें यही डिफाइन किया गया था कि क्या क्या यूनिट्स होंगी, वो ये सारी यूनिट्स वहाँ पर डिफाइन की गई। इन्हीं सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ और यूनिट्स को आपको याद कर लेना है। नेक्स्ट टॉपिक होता है मोशन। मोशन क्या होता है? व्हेन ए बॉडी चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स एज टाइम गोज ऑन वी से द बॉडी इज़ इन मोशन। यानी कि मोशन क्या है? मोशन क्या है? एक बॉडी के प्लेस को, पोजीशन को चेंज होने को हमने मोशन कहा। विद रिस्पेक्ट टू किसके? टाइम के। टाइम के रिस्पेक्ट में किसी बॉडी की पोजीशन चेंज हो रही है तो हम उसे कहेंगे मोशन हो गया। मोशन इज़ द चेंज इन अ बॉडी, चेंज इन द पोजीशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू समथिंग एल्स विच इज़ टाइम। ठीक है, जो कॉन्टीन्यूसली गोज ऑन जाता रहता है, इंडिपेंडेंट है, किसी के ऊपर डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं है। ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है टाइम, तो इसलिए हमने स्टैंडर्डली टाइम के रिस्पेक्ट में हमने देखा कि ये टाइम के रिस्पेक्ट में कोई बॉडी का की पोजीशन अगर चेंज हो रही है तो उसे हम मोशन कहेंगे। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोशन। मोशंस दो तरीके के होते हैं, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। ठीक है, ट्रांसलेशनल मोशन यानी कि जैसे कि कार होती है हमारी, वो ट्रांसलेशनल मोशन फ्लो करती है। ठीक है, वो चलती है, ट्रांसलेशनल मोशन फॉलो करती है ऑन द रोड। और उसके जो व्हील्स हैं वो रोटेशनल मोशन, यानी कि एक ही सर्कुलर पाथ, एक सेम पाथ बार बार फॉलो करना, उसे रोटेशनल मोशन कहेंगे या स्पिन भी कहते हैं। मोशन ऑफ ए कार ऑन ए रोड इज़ ट्रांसलेशनल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर, एंड द मोशन ऑफ व्हील्स ऑफ ए कार इज़ रोटेशनल, एक ही पाथ बार बार फॉलो करता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्पीड। तो स्पीड की बात आई है तो स्पीड क्या है? एक बताइए, कौन सी क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है? तो स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, पहली बात, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी एंड उस ट्रेवल को करने के लिए रिक्वायर्ड टाइम, तो उसको डिवाइड कर दो, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज कॉल्ड स्पीड, कि कितने टाइम में कितने डिस्टेंस को उन्होंने कवर किया। एसआई यूनिट क्या होती है स्पीड की? एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ये एसआई यूनिट होती है। इतना स्पीड के लिए हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये सारी चीज़ें आपको खुद सोचना है कि वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? कि जितनी डिस्टेंस कवर की गई है किसी बॉडी के द्वारा इन ए स्पेसिफाइड डायरेक्शन, कोई एक बॉडी है वो किसी एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन में क्या स्पीड है उसकी। ठीक है, और स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो उसकी स्पीड ऑन सम डायरेक्शन। अब मैं कहूँ कि स्पीड ही एक समय पर आकर उसमें स्पीड में अगर मैं डायरेक्शन ऐड कर दूँ, स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो वो क्या होगी? वो वेलोसिटी कहलाएगी। क्या ये सही है? हाँ जी बिल्कुल, ये बात बिल्कुल सही है कि कोई एक स्पीड है मीटर पर सेकंड और प्लस डायरेक्शन की जाए कि वो कोई बॉडी है उसकी स्पीड कुछ है और इस डायरेक्शन में है, तो उसे हम कहेंगे वेलोसिटी। और स्पीड और वेलोसिटी में सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस है, तो इसलिए वेलोसिटी की भी एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। बट ये याद रखना कि वेलोसिटी में प्लस डायरेक्शन जरूर होगी। वेलोसिटी इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी। नेक्स्ट बात करते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या होता है? द वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी चेंजेस ड्यू टू चेंज इन इट्स स्पीड और डायरेक्शन और बोथ। यानी कि अगर किसी वेलोसिटी के अंदर किसी टाइम के अकॉर्डिंग इन ए टाइम इंटरवल उस वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज़ कॉल्ड एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी चेंज कई तरीके से हो सकती है। वेलोसिटी हमारी जो है वो दो तरीके से चेंज हो सकती है। वेलोसिटी दो तरीके से चेंज हो सकती है। पहली चीज़, या तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए या तो फिर उसकी स्पीड चेंज हो जाए। अगर डायरेक्शन या स्पीड चेंज हो जाए तो हम कहेंगे वेलोसिटी चेंज हो गई, और वेलोसिटी चेंज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो उसे हम बोलेंगे एक्सेलरेशन, कि एक्सेलरेशन हो गया। यानी कोई भी एक बॉडी ट्रैवल कर रही है, उस बॉडी की अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तब भी वेलोसिटी चेंज होगी, अगर उसकी स्पीड चेंज हो जाए तब भी उसकी वेलोसिटी चेंज हो जाएगी, अगर दोनों चेंज हो जाएं तो तब भी उसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और वेलोसिटी चेंज होगी तो हम उसे बोलेंगे चेंज इन वेलोसिटी इज़ एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू सम इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इन दिस केस इंडिपेंडेंट वेरिएबल सबसे बढ़िया है टाइम, जो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, गोज़ ऑन चलता चला जाता है, तो इसलिए एक्सेलरेशन इज़ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसी में एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि अगर स्पीड पॉजिटिव यानी कि बढ़ रही है, ठीक है, अगर स्पीड बढ़ रही है तो वो एक्सेलरेशन हो गया।
अगर स्पीड जो है वो कम हो रही है, यानी कि अब की बार स्पीड बड़ी नहीं, अब की बार स्पीड कम हो गई, ठीक है, तो उसे बोलेंगे डिसेलरेशन। चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी मीन्स अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो हम उसे बोलेंगे एक्सेलरेशन, और अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो उसे हम बोलेंगे डिसेलरेशन या रिटार्डेशन, ठीक है। तो नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ओ नोन एज रिटार्डेशन, इट इंडिकेट्स दैट द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज डिक्रीजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। और ये बिल्कुल वैसे ही है कि अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो हम उसे हम बोलेंगे रिटार्डेशन, और अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो उसे हम कहेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इज़ यूनिफॉर्म व्हेन नाइदर इट्स डायरेक्शन नोर मैग्नीट्यूड चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा जब तक कि उसकी वेलोसिटी चेंज ना हो, डायरेक्शन चेंज ना हो, यानी स्पीड चेंज ना हो, डायरेक्शन चेंज ना हो किसी बॉडी की, तो हम बोलेंगे एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, सेम है और यूनिफॉर्म है। नेक्स्ट टॉपिक आता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से होने वाला एक्सेलरेशन। तो सिंपल सा अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि किसी चीज़ को आप उठाओ, मान लो स्टोन को आपने किसी हाइट पर, सरफेस की हाइट से ऊपर उठा लिया, तो अब उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगने लग गई। अब जैसे उसे आप छोड़ोगे तो वो नीचे की तरफ आना शुरू कर देगा और यहाँ पर सरफेस पर आके टकरा जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके पास क्या आ गया है, इस स्टोन जब एक हाइट पर होगा स्टोन, तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी, और जब आप उसे छोड़ देंगे तो धीरे धीरे करके उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आना शुरू हो जाएगी, और फाइनली जब ये ज़मीन की तरफ आ रहा होगा तो इसकी वेलोसिटी एट द पोजीशन ऑफ टॉप लेवल वेलोसिटी इसकी ज़ीरो होगी। फिर उसके बाद इन द सेम डायरेक्शन टूवर्ड द ओरिजिन ऑफ द अर्थ या टूवर्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ, ये जो स्पीड है जब ये यहाँ पर होगा तब इसकी स्पीड थोड़ी सी बढ़ जाएगी, वैसे यहाँ पर आके स्पीड और बढ़ जाएगी, फिर इस लेवल पे आके स्पीड और बढ़ जाएगी, फिर उसके बाद स्पीड और बढ़ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी और आ जाएगी, इसके पास पोटेंशियल एनर्जी और कम हो जाएगी, बट मैकेनिकल एनर्जी सेम रहेगी। ये सारी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी, इन दोनों का कन्वर्जन क्या होता है। तो धीरे धीरे करके आके सबसे मैक्सिमम जो वेलोसिटी होगी ऑन सरफेस के जस्ट ऊपर होगी, बिल्कुल जस्ट ऊपर, तो वहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी और मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, मैक्सिमम फोर्स लग रही होगी उस स्टोन के ऊपर, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, एक्सेलरेशन हुआ है, इस स्टोन के अंदर एक्सेलरेशन हुआ है, ठीक है, यानी कि उसकी वेलोसिटी चेंज हुई है, इंक्रीज हुई है, तो वो किसकी वजह से हुई है, ग्रेविटी की वजह से हुई है, तो इसलिए हम बोलते हैं इसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सिर्फ स्टोन को नहीं, किसी भी बॉडी को, व्हेन ए बॉडी फॉल्स फ्रीली देन द इंक्रीज इन वेलोसिटी पर सेकेंड इज कॉल्ड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज जी। इस एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को स्मॉल जी से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसका अगर फॉर्मूले की बात की जाए तो फॉर्मूला होता है जी इज इक्वल टू कैपिटल जी और ये एम ई अपॉन में आर ई स्क्वायर। तो यहाँ पर क्या क्या है ये चीज़ें, जहाँ पर कैपिटल जी जो है वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, एम ई क्या है, ये एम जो है मास ऑफ अर्थ है, आर ई का स्क्वायर किया है, तो आर ई मीन्स अर्थ, ठीक है, और आर मीन्स इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है, तो आर ई जो है वो रेडियस ऑफ द अर्थ है। जी क्या है, जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेडियस ऑफ द अर्थ के, यानी कि रेडियस ऑफ द अर्थ अगर इंक्रीज कर दी जाए तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम हो जाएगी, और अगर रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो डिक्रीज कर दी जाए तो जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो मैक्सिमम होगी, अगर वो डिक्रीज हो तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है वो इंक्रीज होगी, जी की वैल्यू इंक्रीज होगी। तो वैल्यू ऑफ जी इज़ मैक्सिमम एट द पोल्स, तभी हम कहेंगे वैल्यू ऑफ द जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो वैल्यू है वो पोल पर मैक्सिमम होगी और इक्वेटर पर मिनिमम होगी। ये सब हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक
उसके बारे में बात करते हैं। इक्वेशन ऑफ मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ इक्वेशंस आपने पढ़ी होंगी ऑफ ए मोशन, जहाँ पे ये तीन इक्वेशंस आपने नौवीं क्लास में पढ़ी होंगी। नौवीं क्लास यानी कि जनरल साइंस ही है ये आपकी जनरल स्टडीज़ ही है जो किसी भी एग्ज़ाम में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम में उठाकर पूछ ली जाती है। और ये ऐसा नहीं है कि साइंस वाले बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट है, जितने भी बच्चे जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम चाहते हैं या जितने भी बच्चे कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम देके कहीं एडमिशन लेना चाहते हैं या कहीं जॉब लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। उन सभी के लिए सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, भले ही वो किसी भी स्ट्रीम के बच्चे हों, किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट्स हों, आपको ये सारी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। जैसे कि पहला v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी इज़ द फर्स्ट इक्वेशन ऑफ द मोशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस वन अपॉन में टू ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस, ये नाइन्थ क्लास में आपने पढ़ा था। और बहुत समय हो जाता है जब इंसान ग्रेजुएशन में आ जाता है तब भूल सा जाता है इन सारी चीज़ों को, तो एज ए रिविज़न क्लास के तौर पर आपको हम बता रहे हैं कि ये एज ए रिविज़न इक्वेशन ऑफ ए मोशन ये है, जहाँ पर यू का मतलब है इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी, वी इज़ फाइनल वेलोसिटी, टी इज ए टाइम, ए इज एक्सेलरेशन, एस इज ए डिस्टेंस ट्रेवल बाय द बॉडी। उसके बाद हमने इसके ऊपर नाइन्थ क्लास के अंदर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी कर रखे हैं, तो आप अपने न्यूमेरिकल्स भी आपको याद आ सकते हैं। नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी बुक डाउनलोड कीजिए और देखिए वहां पर आपने क्या क्या पढ़ा था इन सब के बारे में एज ए रिविज़न के तौर पर, जहाँ पर जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी है, तो इन तीनों जगहों चार यहाँ पर वेरिएबल्स, चार वेरिएबल्स में तीन गिवन दे रखे होंगे, एक निकालना होगा, ये सारी चीज़ें हमने करी थी। नेक्स्ट टॉपिक आता है फोर्स यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे पहले बता दें ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स, यानी कि किसी भी दो बॉडीज़ को, एक ये बॉडी है और एक ये बॉडी है, तो इन दोनों को अट्रैक्ट करने वाला ही काम करेगी। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स, ये अट्रैक्टिव फोर्स है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट बिटवीन ऑल बॉडीज, सभी बॉडीज़ के बीच में ये लगती है, इवन बिटवीन टू एप्पल्स लाइंग ऑन ए टेबल, कोई दो एप्पल्स हैं वो वहाँ पर रखे हुए हैं किसी टेबल पर, उसमें भी ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। ठीक है, कोई दो इंसान खड़े हुए हैं वहाँ पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में लग रही है। ठीक है, आपका जो फ्रेंड है, आपका फ्रेंड और आप खड़े हुए हैं, तब भी आप दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। क्यों? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव फोर्स। अब आपके मन में एक सवाल क्यों नहीं उठता, या उठता है तो ज़रूर अच्छी बात है, फिर तो आपका बहुत अच्छा दिमाग है अगर उठता है तो, कि अगर किसी दो लोगों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, अट्रैक्ट कर रही है, एप्पल्स के बीच में क्या कहते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, तो वो आपस में मिल क्यों नहीं जाते? यहाँ पर कोई बॉडी के ऊपर फोर्स लगती है तो वो बॉडी खिसकती हुई चली जाती है किसी डायरेक्शन में, अगर एक बॉडी ये है एक बॉडी ये है, यहाँ से भी एक फोर्स लग रही है, यहाँ से भी एक फोर्स लग रही है, तो आपस में कोलाइड क्यों नहीं कर जाते? तो एज ए इट इज़ अ वेरी वीक फोर्स जो किन्हीं भी दो चीज़ों को होल्ड करने का काम करती है। जैसे कि आपने सुना होगा अंतरिक्ष में जाकर कई सारी चीज़ें हम सैटेलाइट भेजते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि ऑर्बिट से बाहर ही निकल जाती हैं और वो खो जाती हैं, चली जाती हैं, नेवर कम बैक, कभी वापस नहीं आती वो, तो हम उसको बोलते हैं कि वो अब हमारे दायरे से निकल गई है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के एरिया से निकल गई है। अगर वो वहाँ पे अंडर में होती तो वो ऑर्बिट में रोटेट कर रही होती है विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड टू द अर्थ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये वीक फोर्स है, इसलिए सिर्फ ये होल्ड करने का काम करती है, और एज ए वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स भी हम कह सकते हैं। कैसे भाई, वीक फोर्स तो हमने कह दिया, स्ट्रॉन्ग फोर्स क्योंकि बड़ी बड़ी चीज़ों को वो आसानी से, हर एक बड़ी से बड़ी चीज़ों या छोटी से छोटी चीज़ों, हर दो चीज़ों के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होती है अगर वो अर्थ के अंदर, अर्थ पर है तो। ठीक है, तो हम उसे बोलेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स। इट इज़ ग्रेविटेशनल फोर्स दैट होल्ड्स द मून इन इट्स ऑर्बिट राउंड द अर्थ। जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मून को एक ऑर्बिट में रखती है अर्थ के हमेशा। अगर मून के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स ना लगे तो वो मून जो है वो भाग जाएगा, वो ऑर्बिट में क्यों घूमेगा, क्यों घूमे ऑर्बिट में भाई वो। ठीक है, तो इसलिए वो क्या करेगा, ऑर्बिट में रोटेशनली मोशन करे जा रहा है। क्यों? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अर्थ और मून के बीच में लाई कर रही है वो फोर्स। एंड द अर्थ इन द इट्स ऑर्बिट अराउंड द सन, और अर्थ जो है वो सन के चारों तरफ चक्कर लगा रही है। ठीक है, रोटेशनल मोशन में है। अब वो अर्थ भी क्यों नहीं भाग जाती, क्यों? क्योंकि सन जो है वो और जो अर्थ है उन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन दैट
विच स्टेट्स दैट एवरी पार्टिकल इन द यूनिवर्स, यूनिवर्स में हर एक पार्टिकल अट्रैक्ट्स एवरी अदर पार्टिकल, वो दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट कर रहा है, विद अ फोर्स दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस, कि उन दोनों बॉडीज़ का जो प्रोडक्ट है, उन दोनों की बॉडीज़ का जो वेट है, यानी सॉरी मास है, उन मास का प्रोडक्ट कर दो, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इस डिस्टेंस बिटवीन दैम, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वो फोर्स जो उन दोनों के बीच की डिस्टेंस है उसके, ठीक है। यानी अगर मैं F को ग्रेविटेशनल फोर्स कहूँ तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ये जो मान लो दो बॉडीज़ हैं, ये A और B, यानी M1 M2 दो बॉडीज़ हैं, तो उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर, स्क्वायर से, ठीक है। और जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उन दोनों का जो वेट है, M1 और M2 उन दोनों के प्रोडक्ट से, तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इन दोनों कंडीशन से हमारे पास ये फॉर्मूला आ जाता है कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी विच इज़ कॉन्स्टेंट, एंड M1 M2 इज अ प्रोडक्ट ऑफ द मासेस ऑफ टू बॉडीज, एंड आर स्क्वायर इज अ स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, M1 M2 अपॉन में आर स्क्वायर, एंड जी इज़ कॉन्स्टेंट, जहाँ पे जी की वैल्यू होती है 6.67 इंटू में 10^-11। तो ये वैल्यू नॉर्मली एग्ज़ाम में पूछ ली जाती है कि एज ए कॉन्स्टेंट जी की क्या वैल्यू होती है, 6.6, यहाँ पे पॉइंट लग नहीं रहा, हाँ 6.67 इंटू 10^-11 इज़ द वैल्यू ऑफ जी। इसी तरीके से नेक्स्ट फोर्स की बात करें तो वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स या सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर दो फोर्सेस होती हैं, एक तो होती है सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स, तो इसका क्या काम होता है भाई, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये दोनों मान लो एज ए दोनों आपस में भाई भाई हैं, जहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स होगी वहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी होगी। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं, द फोर्स एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर ऑन ए पार्टिकल, कोई एक पार्टिकल है उसका कोई सेंटर होगा, उस सेंटर की तरफ लगने वाली जो फोर्स है वो सेंट्रीपिटल फोर्स है। एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। तो कोई एक मान लो यहाँ पर मैंने एक खूटा सा गाड़ दिया और वहाँ से एक धागे में मैंने एक स्टोन को बांध दिया, अब स्टोन को रोटेट कर रहा हूँ मैं, ये स्टोन अब रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। आपने बचपन में बहुत सारे ऐसे करा होगा, बांध कर रोटेट किया होगा, तो इस जगह पर दोनों फोर्सेस लग रही हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स भी और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी। अब सेंट्रीपिटल फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कैसे लग रही है, सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो इस स्टोन के इनवर्ड्स टू द सेंटर लग रही है। यहाँ पर जो स्टोन है उसको अपने ऑर्बिट में रखने के लिए एक तो फोर्स लग रही है उसके सेंटर की तरफ, ठीक है, तो वो सेंटर की तरफ जो लग रही है हम उसे बोल रहे हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। ये एक सेंट्रीपिटल फोर्स है, टूवर्ड सेंटर लग रही है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स अगर यहाँ पर लग रही है तो स्टोन गिर क्यों नहीं जाता है, क्यों, क्योंकि उसको बैलेंस करने के लिए एक और फोर्स लग रही है, वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो आउटवर्ड की तरफ लग रही है, सेंटर से अवे फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। तो यहाँ पर ये एज ए एप्लीकेशन के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो येलो कलर में है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ब्लू कलर में है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है, आप समझाने के लिए यहाँ पर ये चीज़ ऐसे ले सकते हैं। तो जो टूवर्ड्स द सेंटर लग रही है पार्टिकल के एग्जीक्यूटिंग करने के लिए उसके सर्कुलर मोशन में टूवर्ड्स द सेंटर इज कॉल्ड सेंट्रीपिटल फोर्स। एंड सेंट्रीपिटल फोर्स हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, वो क्या होता है, F इज इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन में R, ठीक है, R जहाँ पे m की वैल्यू होती है, m इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, यहाँ पे स्टोन है तो मास ऑफ द स्टोन, v इज द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट कि किस स्पीड से वो सर्कुलर मोशन में रोटेट कर रहा है, एंड r इज़ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, और सर्कुलर पाथ की रेडियस जो है वो r है, एंड टूवर्ड द सेंटर लगने वाली फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स, एंड अवे फ्रॉम द सेंटर लगने वाली फोर्स सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इन केस ऑफ द मून, मून की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड द मून एक्ट्स एज द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बढ़िया इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन की बात की जाए तो जैसे मून है उसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है बिटवीन मून एंड अर्थ के,
जिसकी वजह से मून पर लगने की वजह से जो मून है वो ऑर्बिट के चारों तरफ टूवर्ड्स अर्थ की तरफ वो फोर्स एक्ट हो रही है, और यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स का काम ग्रेविटेशनल फोर्स कर रही है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अट्रैक्ट कर रही है मून को, ठीक है, जो मून और अर्थ के बीच में लग रही है ग्रेविटेशनल फोर्स। और यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स को हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहेंगे। जैसे अब दूसरे के एप्लीकेशन ले लें कि व्हेन अ स्टोन टाइड एट वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग इज विल्ड इन ए सर्कल द पुल इन द स्ट्रिंग प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो जैसे हमने डायग्राम ही बनाई है, यहाँ पर सीधा सीधा समझा रखा है कि ऐसे हमने किया है तो यहाँ पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स एक्ट हो रही है। विदाउट सेंट्रीपिटल फोर्स देयर कैन बी नो सर्कुलर मोशन। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स ना हो तो सर्कुलर मोशन इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। कोई भी सर्कुलर मोशन एग्जिस्ट नहीं कर सकता अगर सेंट्रीपिटल फोर्स एग्जिस्ट ना करें तो। तो टूवर्ड्स द सेंटर फोर्स लगना बहुत ज़रूरी है। अगर सेंट्रीपिटल फोर्स हुई तभी सर्कुलर मोशन होगा, ठीक है। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स ऑन द पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो हमेशा उस पार्टिकल के ऊपर लगेगी जो सर्कुलर मोशन एक्ट कर रहा होगा। बात करें तो भाई वो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है? सेंट्रीपिटल फोर्स अगर लग रही है, ठीक है, और सेंट्रीपिटल फोर्स अगर सेंटर ऑफ द अर्थ की सेंटर की तरफ लगे, किसी भी रोटेशनल बॉडी के सेंटर की तरफ लगे, तब क्या होगा? तब वो बॉडी जो है जो रोटेट कर रही है सर्कुलर मोशन में, वो तो फिर सेंटर की तरफ चली जानी चाहिए, तो नहीं जाती वो। तो इसको बैलेंस करने के लिए सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है जो लगती है अवे फ्रॉम द सेंटर अलोंग द रेडियस। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो ज़ीरो हो जाएगी पोल पर और मैक्सिमम होगी इक्वेटर पर।